मित्रांनो आता आम्ही प्रयागराज त्रिवेणी संगम इथे आलो आणि आता बोटीने जाणार आहोत जिथे तीन नद्यांचा संगम होता ना गंगा यमुना आणि सरस्वती तर तिथे बोटने जाणार आहोत. सरस्वती दिखती नाही आहे सरस्वती रुक तो गेली ओके हो जय श्रीराम मस्त लाईन मध्ये गेले ते. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रभाकर वंशा आणि पुन्हा एकदा स्वागत आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो आम्ही आत्ताच हॉटेलवरून आहे ना वाराणसी रेल्वे स्टेशन आलो. समोर आपण पाहू शकता वाराणसीचं जंक्शन आहे. तर आज आम्ही जात आहोत प्रयागराजला आणि प्रयागराजला आपल्याला त्रिवेणी संगम पाहायला मिळेल. तीन नद्यांचा संगम. तीन तासाची ट्रॅव्हलिंग आहे आमची वाराणसी टू प्रयागराज. प्रयागराज म्हणजेच अलाहाबाद. तर आता तीन तासाची जर्नी केल्यानंतर आम्ही तिकडे पोचू आणि मग पाहूया तिकडे काय काय पाहायला भेटते ते बघूया आपण. चला तर जाऊ रेल्वे स्टेशनमध्ये. रेल्वेला 12:30 विभूते एक्सप्रेस लागले त्या एक्सप्रेसने आता आम्ही जात आहोत. चला मित्रांनो वाराणसी तो प्रयागराजला जात आहे ना एक मध्ये गंगा नदी आपल्याला लागते. गंगा नदी क्रॉस करून आपण प्रयागराजला पोहोचणार. कुठे जात आपण? प्रयागराज. प्रयागराज कोण? गंगा नदी डुबकी मारायचा संगम बघायला. एवढं सगळं पावसाचं गाणं म्हणजे पण इकडे सगळं कडक ऊन आहे. इकडे कडक ऊन आहे म्हटला बघू शकता. आमच्या गावी फुल पाऊस आहे म्हणून ते गाणं बरं वाटतं तिला. शाळेतल्या कविता बोलतेस तू? अच्छा. आणि शाळेतल्या मॅडम गेली भाऊ. ते फेमस आहे. आणि तुझ्या फ्रेंडचं नाव काय? मनोज. मनस्वी. आणि ते दोघं जण आहेत ते मनस्वी. मनोजी सगळ्यात फेमस आहे. कधी गेलं ते मनोजीचं नाव आलं पाहिजे. मनस्वी तुझ्या बाजूला बसते ना. भांडेल बिंडेल नाही बसत ना. आणि टीचर तुम्हाला मारते का? नाही मारत. मारलं तरी हा मारते की नाही? टीचर मस्ती करते तेव्हा तुम्ही दोघी बडबड करता ना. बोलत असता की नाही दोघी गप्पा मारता? आता तिकडे तोंडावर दाखव कसं कसं. मित्रांनो प्रयागराज रामबागला आता येऊन पोचलो आहोत आम्ही आणि इथून आता रिक्षा करून जात आहोत. बघा साफे आवाज पुढे. हे इलेक्ट्रिक रिक्षा आहे. इथे मित्रांनो आता आम्ही प्रयागराज त्रिवेणी संगम इथे आलो आणि आता बोटीने जाणार आहोत जिथे तीन नद्यांचा संगम होता ना गंगा यमुना आणि सरस्वती तर तिथे बोटने जाणार आहोत. भैया इथे पर पर्सन 300 रुपये आपल्याला चार्जेस लागेल जो संगम आहे ना नद्यांचा संगम मारण्यासाठी. चला आमची बोट निघाली आहे त्रिवेणी संगमसाठी. भाईसाहेब बोट चला रे. इथे बोटीला वळला आहे. हे इंजिनची बोट नाही. इथे आम पब्लिक के लिए इंजिन दोनों साइड का वळला क्या? आमची दुसरी बोट आहे ना तिकडून येते. कुठे आहे बोट? अच्छा इथे आहे दुसरी बोट. एकूण दोन बोट केलेले आहेत 15 लोकांसाठी. देखिए बहुत पुराना किला आहे.
अच्छा वो वाला बहुत पुराना किला है, अशोक सम्राट ने इसको बनवाया था। हाँ अकबर बादशाह राज किया फिर अंग्रेज राज किया, इसके अंदर एक अच्छे वट वृक्ष है जो कि अमर है, उसका पत्ता ना ही सूखता है ना ही गिरता है। श्री रामचंद्र भगवान जब आए हुए थे यहाँ पर उसी वट के नीचे बैठकर अपने पितरों का वो पिंडदान किए हुए, उसके बाद ये जहाँ आप लोग चल रहे हैं ये यमुना जी में भी चल रहे हैं, यमुना जी का जल। ओके आगे चलेंगे तो आपको गंगा जी का जल दिखेगा, नाम तीन देवियों का चलता है, गंगा यमुना सरस्वती दिखाई दो ही देती है, गंगा यमुना सरस्वती जी गुप्त है। इनके अंदर जाएंगे आप, किले के अंदर जाएंगे तो वहीं पे आपको सरस्वती जी का कुंड मिलेगा, यहीं से निकली हुई थी, यहीं गुप्त हो गई थी। अंदर अलाउड है जाने के लिए? जी हाँ जी हाँ, जाने किले में जी हाँ, उसके अंदर एक चीज मिलती है, गर्भगृह बना हुआ है, अंदर जाने के लिए घूमने के लिए सरस्वती पुल तक जाएंगे, अच्छे वट देख लीजिए, अंदर भी बहुत कुछ है, म्यूजियम नहीं है, एक गर्भगिरी के जैसा, मतलब कि जिसको हम लोग भूधरा जिसको जमीन के अंदर कोई कमरा मरा बनाते उस टाइप का है, काफ़ी बड़ा है, उसी के अंदर में काफ़ी सारी प्राचीन समय की मूर्तियाँ लोग जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, वहीं पे सरस्वती जी का कुंड है, वहीं से निकली थी, वहीं पर गुप्त हो गई, यहाँ तो जो आता है सब स्नान करने के लिए ही आता है। अच्छा सबसे बड़ा तीर्थों का तीर्थ यही है प्रयागराज में, यहाँ जो भी आता है सब स्नान करने के लिए आता है, बाकी अपनी इच्छा है नहीं करना, मत कीजिए आत्मा कीजिए, चलिए सावन के महीने में सब जल चढ़ता है ना, यहाँ से जल ले जाकर काशी विश्वनाथ को ले जाकर चढ़ाते हैं, कुछ लोग श्री शिव मठ लेके जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर हरी महादेव करके शंकर जी का मंदिर है वहाँ ले जाते हैं, वही वही कांवड़िया, वही वही जल हम लोग वही जल लेके बोलते हैं कांवड़िया ही, यही से लेके जाते हैं, कोई भी आता है यहाँ पर नारियल पुष्पाल लेकर वहाँ पर माता रानी को भेंट करता है, चरण स्पर्श करके फिर उसके बाद वापस आता है, जैसे कि देखिए उस बार में शिव मठ मंदिर, वो शिव सामने दिखता है, वो कौन सा मंदिर है? शिव मठ ओके हाँ, शिव मठ मंदिर है, आगे और जो दिख रहा है क्रेन टंगा हुआ लिफ्टिंग क्रेन, हाँ वो बुद्ध मंदिर है। अच्छा मतलब घूमने का स्थान बहुत अच्छा है, शिव मठ में टोटल साउथ का लुक आता है, साउथ जैसा शेप है, साउथ का लुक आता है, उधर रुकता है जैसे रात वोट हो गया तो रुक जाता है, इतना नैनी घाट ये घाट लग रहा है, नैनी नैनी घाट यहाँ पे आरती होता है क्या कुछ? हर दिन इधर में भी आरती होता है, लेकिन जैसा काशी में माहौल रहता है वैसा रहता है, वैसा वैसा उसी तरीके से होता है। हाँ इधर रामघाट, अच्छा ये बंद रहा इधर, यहाँ नहीं ये अभी बंद रहा है, यहाँ से 500 मीटर आगे आरती होता है, रामघाट है वहीं पर होता है, इस जगह में भगवान राम उतरे हुए थे पार, उसी जगह होता है, बनारस में होती है आरती उसी तरीके से यहाँ पे। अच्छा घूमने के लिए बहुत सारी जगह यहाँ पर है, अच्छा जैसे कि चंद्रशेखर पार्क है, जिस जगह चंद्रशेखर जी उसको गोली मार लिए थे ऐसा है, और एक किले में कहाँ किस तरफ से लड़ाई हुआ था किधर से आया गया है सब उसके अंदर है, या किसी खुदते हैं, नेहरू पार्क है, देखते हैं अभी ये होने के बाद वहाँ देखते हैं कितना टाइम मिलता है उसके ऊपर इधर घूमेंगे, तो ऑटो वाले से घूमेंगे ना तो हर जगह ले जाकर घुमाएगा, शक्तिपीठ मंदिर घुमा देगा। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि इधर बहुत धूप है इसलिए ज़्यादा घूम नहीं पा सकते, नॉर्मल होगी अभी लगभग 3 बजे तक नॉर्मल होगा, दिखा रहा है जिस तरीके से बारिश के लिए हो सकता है कि नॉर्मल, तो ज़्यादा बारिश आने के बाद यहाँ बाढ़ आता रहेगा, डूब जाता है, डूब जाता है क्या बेटा? डूब जाता है। अच्छा अच्छा सब टोटल डूब जाता है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12-15 दिन के अंदर ही डूब जाएगा, इधर जो मीटिंग में हनुमान जी है ना बड़े हनुमान जी, जब तक वहाँ पानी नहीं, अच्छा वो मंदिर तक जाता है जी, वो डूब जाते हैं। अच्छा अच्छा वो डूबेंगे उसके बाद वापस होगा पानी तो कुछ नहीं बढ़ेगा। अच्छा तो यहाँ आजू बाजू में बस्ती नहीं है कोई, रहते नहीं बस्ती है, कभी भी पहाड़ आ सकते हैं, तो ये मेला क्षेत्र है ना। हाँ ये मेला क्षेत्र अभी जनवरी में यहाँ मेला लगने वाला है। अच्छा कुंभ का मेला लगने वाला है, ट्रैवल में मात्र मेला लगेगा,
अच्छा वहाँ तक पूरा मेला रहेगा, इधर 8 किलोमीटर रहेगा, इधर पीछे झूला वाला ब्रिज दिख रहा है आपको, ये हमारा नया ब्रिज, ये झूला ब्रिज। अच्छा घूमने के लायक बहुत अच्छा है, शाम को वहाँ बहुत। तो वहाँ का जो ब्रिज दिख रहा है वो गंगा है? गंगा ब्रिज। अच्छा तो गंगा वहाँ से इधर आए थे? अच्छा गंगा जी उत्तराखंड। और सरस्वती यहाँ से आई है? सरस्वती जी अद्री से, वो दिखती नहीं, दिखती नहीं, लेकिन यहाँ से आई है? नहीं नहीं नहीं, वो गंगा जी है। अच्छा यहाँ से आई, यहीं मिलकर गंगा जी यहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ फिर आगे काशी बनारस को अकेले सिर्फ गंगा जी जाती है। अच्छा अच्छा ये यमुना है, यमुना गंगा। सरस्वती दिखती नहीं है? सरस्वती जी लुप्त हो गई, लुप्त हो गई। ओके ऐसा है कि यहीं पर कोई ऐसा महर्षि था जो यज्ञ कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उसी समय में प्रज्वलित हुई तो बहुत तेज धाराओं से निकली तो बीच में पड़ गए, श्राप दे दिए वही लुप्त हो गई। मित्र ने ये वो भी बताया, ये जल पुलिस यांची गाड़ी आहे, इथे चेकिंग साठी येत असतात, पेट्रोलिंग करण्यासाठी येतात, काही प्रॉब्लेम नाही, पाण्याची पातळी काय आहे हे सगळं चेक करण्यासाठी येत येतात, आणि इतर बोटवाले काय कुठल्या नियमाचं उल्लंघन करतात का ते सुद्धा चेक करण्यासाठी येत असतात। इथल्या बोट फक्त या हातानेच हलवायच्यात, हे बघा जसे वाराणसीला इंजिनाने चालवतात तसं इथं अलाउड नाही आहे, त्या सगळ्यांना कंपल्सरी हातानेच करायचे, हातानेच हलवायचे। दोनों बोट के बीच में झूला पर स्नान करवाते हैं। अच्छा देखिए उधर तखत, जी हाँ उधर तखत बांध दिया हुआ है, उसके पर उतर जाते हैं, उसके बीच में नहाने आ जाए, बीच में स्नान करते हैं। अच्छा यहाँ पे दाएं बाएं अगल बगल में नहीं, बहुत गहरा है, मतलब ये संगम आ गया अभी? जी हाँ संगम आ गया, ये इधर है क्या? इधर से गंगा जी आई हुई है ना, इस साइड से गंगा जी आई हुई है, हाँ जमुना जी आई हुई है, दोनों यहीं पे मिला हुआ है। अच्छा तो ये दोनों संगम के बीच में नहाने का अच्छा रहता है? जी हाँ जी वही तो डुबकी, वो डुबकी सबसे अच्छा, सबसे बड़ा महत्व है। हाँ खोले ज़्यादा अंदर खोल रहेगा, लमसम 20-22 फुट पानी है, 22 फुट पर जहाँ से हम लोग चले उधर 70-80 फुट पानी है ना, यहाँ पर इधर अभी कुछ दिन पहले इधर में रेत था, टापू था, हाँ डूब गया, उसके इतना ऊपर पानी लग गया। यहाँ पे आर्मी का भी है तो बोट है ना, आर्मी और आर्मी जल पुलिस NDRF रेलवे, अच्छा और NTPC, इतना लोगों का स्पीड बोट चल रहा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा सर भी दिन में 1-2 चक्कर आते हैं, हाँ वैसे जल पुलिस तो हमेशा घूमता रहता है लेकिन, हाँ ये आर्मी का इतना पानी आर्मी से बोट है, इसी तरीके से होता है, नारियल फूल प्रसाद लेकर गंगा माँ का भेटी करते हैं, उसके बाद अपना स्नान करना, स्नान कीजिए नहीं तो चरण भेटी कीजिए, चलिए। अच्छा अच्छा वो उधर का आ रहे हो गंगा का पानी, वो शेप दिख रहा है, हाँ अलग अलग जल दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, गंगा। अच्छा अभी ले चलेंगे आपको घुमाने के लिए, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, बघू शकता गंगा स्नान करण्यासाठी अशीच प्रकारची सोय केली जाते, इथे खाली काहीतरी सिक्युरिटीचं जाळं टाकलं जातं आणि तुम्ही गंगा स्नान करू शकता, बरोबर मधोमध आणून सोडलं, जिथे संगम होता ना तिथे आणून सोडलं, आणि इथे विधी केला जातो ब्राह्मणांद्वारे। यहाँ से गंगा जल लेके जा सकते का घर पे? जी हाँ जी हाँ गंगा जल, क्योंकि वाराणसी से अलाउड नहीं है ना, वाराणसी से गंगा जल यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, बताओ यार इथला गंगा जल आपण घेऊन जाऊ शकतो, पण वाराणसीतला गंगा जल ना आपण घेऊन जाऊ शकतो ते अपशकून मानलं जातं, वाराणसी म्हणजे काशीचा गंगा जल घेऊन जायचं नाही, आपण गंगेचं पाणी बघू शकता स्वच्छ आहे। जय श्रीराम, तुम्ही चालू केलंय ना? चालू नंबर महादेवी नमस्ते
खाली अगर नंदा खाली हो तो दीन खाली हो अर्जी लगाने आए हैं मनोकामना पूर्ण कर गंगा माई के नाम पहले 26 गिलास गंगा के नाम बटाका गंगा के नाम ये जमुना माता पकड़ दो गिरा हेलो माता पकड़ो सीधी गिरा दूसरे स्टार्ट रुपये बाद गंगा पूजन झालेलं आहे आता सासू सासरे मेवणे आणि त्यांच्या मिसेस यांचा आता पूजा विधी इथे चालू आहे भाई लगे भाई हर हर गंगे चला बस चला था बंडा बाजू तू अरे बाबा हमें मोबाइल फोटो ले दे बाबा टॉवल दे इथे पाणी काय एवढाच आहे काय पाठ आहे पाठ पाठ आहे का डायरेक्ट खुलं आहे चलो गंगा स्नान हो गया। तर मित्रांनो त्रिवेणी संगमला अशा प्रकारे गंगा स्नान केलं जातं। बरीच लोक इथे येतात, तुम्ही पाहू शकता लोकांची बरीच गर्दी आहे गंगा स्नान करण्यासाठी। पुढे ह्या सगळ्या ज्या बोटी भरल्या आहेत ना सत्यासाठी ते गंगा स्नान करण्यासाठीच लोक इथे येतात। गंगा स्नान झाल्यानंतर दिवा सोहळ्याची पद्धत आहे। अरे खाली वाकले जाऊ खाली एकूण तीन दिवस मस्त लाईन मध्ये घेते एक लाईन तिला बोलते एकदम सगळे सोडलेस एका ह्याच्यामध्येच होते तुम्ही एक सोडा तिन्ही लाईन पण लाईन मध्येच इथे घालत सोडा चला मित्रांनो तुम्ही सुद्धा पाण्यामध्ये डुबकी मारा आता
चलो जय गंगे। क्या हो गया, वो पानी का है, वाटर प्रूफ है। जय गंगे, दूसरी डुबकी। दूसरी डुबकी, अच्छा तीसरी डुबकी क्या। जय गंगे। चलो तुमसे अपन गंगा दर्शन झाले असेल। आता ये गंगा जी का जल है, इनका स्पीड धारा होता है। ये यमुना जी अस्थाई होती, गहरी होती है, लेकिन उनमें बहाव नहीं होता है। अच्छा, बहाव गंगा जी में होता है। हाँ, वो गंगा जी स्पीड में आ रहे हैं ना। दोनों नदियाँ इधर काशी बनारस पटना होते हुए आपके बंगाल खाड़ी के लिए, गंगा नदी में बहाव ज्यादा होता है। तो देखिए ना कितना तेज बहाव होता है, बहुत तेज बहाव होता है। यमुना जी शांत रहती है। अच्छा, यमुना जी जब बाढ़ पे आती है तब बहुत तेज बहाव हो जाता है, इससे भी ज्यादा तेज हो जाता है। अच्छा, यमुना जी का बहाव जब बढ़ने लगेगी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन अभी वो शांत है।